कहते हैं कि जब तुम्हें प्रकृति होने लगी, हम अपने वृत्तियों को आप न पहचाने तो हजारों कसम खाने से भी हमारी वृत्तियां बदलती नहीं। वृत्तियां बदलती हुई दिखती है, लेकिन बदली हुई वृत्तियां भी प्रवृत्ति उसी प्रकार की पड़ती है। हम अपने को नहीं जानते तो कुछ होकर दिखाने का प्रयास करते हैं। हम वास्तव में क्या है उसका हम लोगों को पता नहीं, इसलिए हमारी वृत्ति कुछ बनकर दिखाने का प्रयास करती है। धनवान बनकर, पुत्रवान बनकर, सत्तावान बनकर, बाप जी बनकर, बेटा जी बनकर, कुछ बनकर हमारी वृत्तियां दिखाने की कोशिश करती है। और ये बनकर दिखाना, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनकर दिखाया जाता है वो सार नहीं, जो वास्तविक में उसको यदि पहचान लिया जाए तो फिर बना हुआ और वास्तविक वास्तविक ये पता चल जाता है, वो मुक्त आत्मा कहा जाता है। शीतल मुनि कहते हैं कि राजन, तू आज तक जो बना है उस बने हुए को भीतर से बिखरा के मेरे पास आ जा, और भीतर से नहीं बिखरे तो बाहर से बिखर के आ जा। भगीरथ राज्यपाट देकर खाली हाथ होकर आ जा और शत्रुओं के घर भिक्षा मांग ले। जास्ती तरफ थी भगीरथ ने ऐसा किया। कथा कहती है कि 7 दिन के अंदर राजपाट की व्यवस्था करके शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगकर उस महारथी ने तीर्थ ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तीर्थ ऋषि बोलते हैं, बहुत राजन अब तेरे को क्या चाहिए? महाराज, जब तक चाहिए था तब तक कुछ नहीं मिला था, और लगी थी भीड़ के बहुत मिला है, बहुत कुछ पाया है और कुछ पाऊंगा, बहुत कुछ किया है और कुछ करूंगा, बहुत कुछ खाया है बहुत कुछ जाना और कुछ जानूंगा। अभी पता चला कि आज तक कुछ जाना नहीं था, ये केवल वृत्तियों का खिलवाड़ था, वृत्तियों ने हमें ठग लिया था, चाहने इच्छाओं ने तृष्णाओं ने हमें परेशान कर लिया था। महाराज, अब तो चित्त में वो शांति आ रही है, अब कुछ चाहिए तो नहीं है, प्रभु के दर्शन करने का थोड़ा विचार आ रहा। अच्छा, तू बैठ, खोज प्रभु, कौन सा प्रभु पाना चाहता है और वो प्रभु तेरे से कितना दूर हो सकता है। शीतल ऋषि की कृपा कटाक्ष हुई, बैठे हो जा, कुछ गहरे गए, देखा कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, चाह मात्र वृत्ति है, उस वृत्ति का जो साक्षी बनने को जा रहा है, वृत्ति को जो निहारने जा रहा है, देखा कि वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही, कम होती जा रही, वृत्तियों को देखने वाला कोई है, वो देखने वाला कौन है? सोच सोचते 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 अवाच्य पद में पहुंचा है। अवाच्य पद में पहुंचा है तब चेहरे पर ब्रह्म विद्या का तेज चमक, आत्म शांति की झलके आने लगी। शीतल ऋषि समझ गए कि आज ये जीव शिवरूप हो गया, ये जीव ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि परमात्मा को कहीं, परमात्मा कहीं है और हम कहीं उसको लेने जाएंगे, अथवा परमात्मा कहीं से आ जाएगा और हमारे भीतर घुस जाएगा। ईश्वर और हमारे बीच एक धागे भर का अंतर नहीं, एक वृत्ति भर का अंतर नहीं, लेकिन इन वृत्तियों ने हमें सदियों से माँ के शीर्ष आसन कराए, माँ के गर्भ में घुमाया, न जाने कितने बाप बदले, कितनी माँ बदली, कितने मित्र बदले, कितने रंग बदले, कितने परिवार बदली, ये वृत्तियां हमें भगाए। बोध का मतलब है वृत्तियों को देख कर, वृत्तियों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को पहचान। तीर्थ ऋषि के सत्संग से राजा भगीरथ ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। एक सज्जन है, यहीं बैठे हैं, कुछ सिंह आया, कहीं से पसार हो रहे थे, मेरे को किसी साधक ने कहा कि हमारे मित्र हैं, सिंह आया फिर भी डरे नहीं। डर किसको होता है? डर वासना को होता है, जीने की वासना भय ले आती है, जीने की भी वासना जितने अंश में कम है उतना हमारा चित्त निर्लिप्त है, धन की वासना जितनी कम है उतना हमारा चित्त उस विषय निर्लिप्त है। तो ये वासनाएं जो है हमको छोटा बना देती है। वशिष्ठ जी बोलते कि हे राम,
जीव जितनी जितनी वासनाएं करता है और वासना का आग्रह करता है उतना उतना वो छोटा होता चला जाता है, और जितनी जितनी वासनाएं छूटती है उतना उतना वो महान होता चला जाता है। पूज्य बापू जी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापू जी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापू जी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य, और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त सब कुछ। इजी साइन अप, मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।